इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री और बैटल्स एंड मैसेकर्स की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। ये है फोर्थ वीडियो ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें है कॉलोनियल एरा। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑफ डिस्कवरी में यूरोपियन पावर्स आना शुरू हो गई थी भारत में। ये कुछ हिस्से पर कब्जा करने या फिर यूं कहिए कॉन्क्वेस्ट करने आए थे, साथ ही में स्पाइसेस का ट्रेड करने भी। कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू हो गया था उस समय अमेरिका से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचे थे। उसके बाद 15वीं शताब्दी खत्म होने तक वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगीज सेलर थे, साथ ही में पहले यूरोपियन बन गए थे जो आफ्टर रोमन्स, जिन्होंने डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स रीस्टैब्लिश किए थे भारत के साथ। इस सत्ता की लड़ाई या यूं कह लीजिए कि भारत पर अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स या स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए कब्जा करने की होड़ में बहुत देश आए, लाइक पुर्तगीज, डच, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क, नॉर्वे। इन सब ने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए और धीरे धीरे कुछ सिटीज और स्टेट्स पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वास्को डी गामा से। ये आए थे 20 मई 1498 को कैलिकट मालाबार कोस्ट के पास। इन्होंने वहीं के कुछ फिशरमैन को अपने साथ किया। उसी टाइम वह मिले एक ट्यूनिशियन मुस्लिम से, जिसके एडवाइस पर गामा ने कुछ लोगों को वहां के रूलर जो जैमोरिन थे उनसे मिलने भेजा, जिसके बाद उन्हें वहां ट्रेड करने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन पुर्तगीज़ ने जो डिसाइड किया हुआ कस्टम ड्यूटी और गोल्ड था वो उन्हें वापस नहीं दे पाए थे जैमोरिन को, जिसके बाद वहां के ऑफिशियल्स ने गामा के कुछ लोगों को एज अ सिक्योरिटी पेमेंट के लिए कैद कर लिया। इससे गामा परेशान हुए और उन्होंने युद्ध किया, जिसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेडिशन ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितना खर्च उन्होंने अपनी यात्रा में किया था वह उसका 60 गुना ज़्यादा सामान वापस लेके गए थे। पेड्रो एल्वारेस कैब्राल, ये आए थे 13 सितंबर 1500 में और लोकल्स ने जब इनकी फैक्ट्री पर हमला किया तो इनके 50 से 60 पुर्तगीज मारे गए। उसके बाद बदला लेने के लिए पेड्रो ने 10 अरब मर्चेंट शिप जो वहीं किनारे पर खड़ी थी उन पर कब्जा कर लिया और सारा सामान लूटने के बाद शिप भी जला दी और उस शिप पर जितने भी लोग थे, 600 लोग के करीब थे, उनको मार दिया। लेकिन वह यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने पूरे कैलिकट को एक दिन के लिए जलाने के लिए छोड़ दिया। उस पूरे एक दिन उन्होंने पूरे कैलिकट पर बमबारी की। पुर्तगीज़ इंडिया अरमाडा। 1504 तक पुर्तगीज़ क्राउन ने 6 अरमाडा भेजे थे भारत में। 7th अरमाडा के आने से पहले 6 अरमाडा ने कुछ खास नहीं किया था। सिर्फ 6th अरमाडा अफोंजो दे एल्बकर्की ने एक छोटा टिम्बर फोर्ट्रेस बनाया था, जिसे बाद में फोर्ट मैनुअल के नाम से बदल दिया गया। 25 मार्च 1505 को फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को इंडियंस का वॉइसरॉय बनाया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ किंग मैनुअल वन ऑफ पुर्तगाल। उनका काम था पुर्तगीज नेवी का दबदबा बनाए रखना इंडियन ओशन के पास। वहां पर उन्होंने अपने बेटे के साथ एक्सपेडिशन किए। जैमोरिन ने 200 शिप्स के साथ हमला किया मार्च 1506 में, लेकिन लोरेंको दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को के बेटे, उन्होंने हरा दिया था इस बैटल में, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ कन्ननूर। मार्च 1508 में लोरेंको पर फिर हमला हुआ। इस बार मामलुक, इजिप्शियन और गुजरात सल्तनत ने मिलकर बैटल ऑफ चौल में पुर्तगीज को हरा दिया और इसमें लोरेंको की जान भी चली गई। उसके बाद फिर से आते हैं अफोंजो दी एल्बकर्की की, इन्हें दूसरा गवर्नर बनाया गया था पुर्तगीज का। 1515 तक अफोंजो ने इंडिया के दो शहर मलक्का 1511 और हॉर्मूज 1515 को एज अ पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया में ऐड किया था। उसने अपने सैनिकों को वहाँ की नेटिव मूवमेंट से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया, जिससे कि वो वहाँ सेटल हो सके। 1538 में ओटोमन एम्पायर के इजिप्ट गवर्नर सुलेमान पाशा और सुल्तान ऑफ गुजरात की आर्मी ने मिलकर द्वीप पर हमला किया, लेकिन इस 4 महीने चले युद्ध में पुर्तगीज के कैप्टन एंटोनियो दी सिल्वेरिया ने इन्हें बुरी तरह हराया और इसे कहा कि बैटल ऑफ एनाइलेशन। ये पुर्तगाल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत मानी जाती है। अब आता है नाउ गोवा इंक्विजिशन। फ्रॉम इंडस वैली टू टिल टुडे जो भी आक्रांता आए उनका बस यही मकसद होता था कि भारत से यहाँ की चीज़ें लूट के अपने देश ले जाए जाएँ और फिर उसके बाद यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं कैसे उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित किया जाए। वो सब के सब यहाँ तक नहीं रुकते थे, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें उस धर्म के असली अनुयायी नहीं मानते थे जो कन्वर्ट हो चुके थे। वह तब भी बाहरी धर्म का ही रहता था, जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें माने जाते थे कि ये अभी भी छुप छुपा के या फिर कैसे भी करके अपने पुराने धर्म में पूजा करता है। दिस शिट हैपन्स एवरी टाइम एंड वे नेवर टुक इट सीरियसली। गोवा इंक्विजिशन बनाने का मेन रीजन था ओल्ड क्रिश्चियन और न्यू क्रिश्चियन को कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी की तरह ले जाना।
उन्हें लगता था कि जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है वो अभी भी पुराने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और जो ओल्ड क्रिश्चियन है वो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो उस समय का सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट था यूरोप में। ये बना था 1560 के आसपास और खत्म हुआ था 1812 में। इस पूरे समय में हिंदूज को पब्लिक में पूजा करना मना था, उन्हें रेगुलरली आना पड़ता था चर्च में ताकि वे क्रिश्चियन प्रेयर सुन सके, और साथ ही में हिंदू धर्म की बुराई या क्रिटिसिज्म भी। हिंदू पुजारियों का गोवा में जाने की मनाही थी, जिससे वहां शादियां ना हो हिंदू धर्म के हिसाब से। संस्कृत और मराठी बुक्स को भी जला दिया गया था। हिंदूज ही इनका मेन टारगेट थे, क्यों? क्योंकि जो कि जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियस है, 74% हिंदू ही होते थे जिन्हें सजा सुनाई जाती थी। गोवा इंक्विजिशन बैन होने के बाद लगभग सारे रिकॉर्ड से जला दिए गए थे बाय द पोर्तुगीज। सिर्फ 1782 से 1800 तक ही डॉक्यूमेंट बचे थे, बाकी सारे जला चुके थे। इस प्रोसिक्यूशन में बुद्धिस्ट भी थे, इन्हें भी नहीं छोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल तमिल्स ने 4th century से बुद्धा जी का जो टूथ को संभाल कर रखा गया था तमिल्स के द्वारा एक सेक्रेट जगह पर, लेकिन उसे भी उन्होंने सीज कर लिया था पोर्तुगीज ने। डियोगो डू काउटो एक 16वीं शताब्दी का पुर्तगीज था, जिसका काम था ऐतिहासिक इवेंट्स या चीजों का ब्यौरा रखना। वह इस टूथ को द मंकी टूथ कहकर बुलाता था। उस टाइम अमंकी एक रेसियल इंसल्ट की तरह यूज किया जाता था साउथ एशियंस के लिए। एज वी नो की पुर्तगीज के हिस्ट्री को ज्यादा ब्लडबाथ की तरह नहीं देखा जाता जितना ब्रिटिशर्स ने किया था, बट स्टिल दे वर रेसिस्ट एंड समवट लाइक ब्रिटिशर्स हु कन्वर्टेड नेटिव पीपल इन क्रिश्चियनिटी विदाउट मसी। 1954 के बाद गोवा के बाहर सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था पुर्तगीज का रूल खत्म करने के लिए। इसके रिटेलिएशन में पुर्तगीज ने कई लीडर्स को मारा या फिर उन्हें जेल भेज दिया, जिससे इंडिया ने उसके बाद पुर्तगाल से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बंद कर दिए। उसके बाद 1961 तक ये मामला सुलझ गया और गोवा और दमन द्वीप भारत का हिस्सा बन गए। इसी के साथ पुर्तगीज का 450 साल का डिक्टेटरशिप खत्म हुआ। नाउ कम्स द डच। इनकी छोटी सी हिस्ट्री है, ये 1605 से 1825 तक यहाँ थे। इनका मेन रीजन था ट्रेड का, जिसमें ये कीमती स्टोन्स इंडिगो और सिल्क को इंडियन पेनिनसुलर से, सॉल्ट पेत्रे और ओपियम को डच बंगाल से, पेपर को डच मालाबार से, इंडियन स्लेव्स को स्पाइस आइलैंड और केप कॉलोनी भेजा करते थे। बैटल ऑफ कोलाचल में ये त्रावणकोर किंगडम से हार गए। उसके बाद ये कभी भी इंडिया के लिए थ्रेट नहीं बने, बहुत कमजोर थे यहाँ पर। ब्रिटिश इंडिया, इसकी हिस्ट्री दो पार्ट में है। पहली है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू हुई थी 1600 में बाय द नेम कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 1611 में इसे मसूलीपटना और 1612 में सूरत में फैक्ट्री बनाने का राइट मिल गया था जहांगीर के द्वारा, और 1640 में विजयनगर के रूलर के द्वारा परमिशन मिलने के बाद मद्रास में भी फैक्ट्री बन गई थी इनकी। एंड्री बस्टामांटे और रॉबर्ट क्लाइव ने मिलकर बैटल ऑफ प्लासी में जीत दर्ज की। उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सार में जीतकर शाह आलम द्वितीय को मजबूर किया कि वह ब्रिटिश कंपनी को अपना दीवान बनाए, यानी वो सारा का सारा कलेक्शन अब ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दे। एंग्लो मैसूर वार और एंग्लो मराठा वार में जीतने के बाद वह भारत की सबसे पावरफुल कंपनी या रूलर बन गए, क्योंकि अब कोई भी बड़ी ताकत नहीं रह गई थी ब्रिटिशर्स को चुनौती देने के लिए। 1772 में जब विलियम हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने जल्दी से अपनी सेना बड़ी करने की सोची, लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए थे सैनिक, पर वो वहीं बंगाल के सैनिकों को लेने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो गद्दारी या म्यूटिनी ना कर दे, क्योंकि वो सैनिक पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। इसलिए वो वेस्टर्न, अवध, बनारस और बिहार से राजपूत और ब्राह्मण को अपनी सेना में लाए ताकि इस विरोध से बचा जा सके, और ऐसा वो अगले 75 साल तक करते रहे। इसकी वजह से इनकी आर्मी में लगभग 80% सोल्जर्स इस साइड के हो गए थे, अवध की साइड। 1796 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्ट्रेंथ इस प्रकार हो गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के सोल्जर 24,000, मद्रास के 24,000 और बॉम्बे के 9,000। टोटल इंडियन ट्रूप्स हो गई थी 57,000, और जिसमें से 13,000 थे ब्रिटिशर्स की, सो टोटल हुई 70,000। इसका इस्तेमाल थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फिर जावा और सिलोन से लड़ने के लिए किया गया था। 1806 में वेल्लोर म्यूटनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई थी 1,54,500 की, जिससे ये बन गई थी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक। 1840 की सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद एक ब्रिगेड बनाई गई सिस सुतलेज हिल पर, मेनली पुलिस के कामों के लिए बनाई गई थी। ऐसे ही कई कॉप्स बनाई गई, पंजाब इरेगुलर फोर्स इन 1849, सिंध कैमल कॉप्स इन 1853, अवध इरेगुलर फोर्स जब नागपुर को अपने कब्जे में कर लिया था इन 1854। 1857 की बगावत की रात तक ईस्ट इंडिया कंपनी की टोटल आर्मी स्ट्रेंथ हो गई थी 3,50,538, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप्स थी 40,500, बाकी इसमें इंडियन ही थे। अवध के कब्जे के बाद से ही बंगाल और वहां के लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें बॉम्बे, मद्रास और हैदराबाद ईस्ट इंडिया के साथ लॉयल रहे थे। पंजाब इरेगुलर फोर्स ना सिर्फ बगावत से दूर रहे, बल्कि इन्होंने ब्रूटल तरीके से इसे खत्म भी किया।
इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद सारा काम डायरेक्ट इंग्लैंड के पास चला गया। नाउ पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1773 में अंडर द किंग इन काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बनाया बंगाल के प्रेसिडेंसी टाउन में। सिविल और क्रिमिनल केसेस इसमें हैंडल किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। एंड आफ्टर ब्रिटिश राज रेस्ट इज हिस्ट्री विच वी ऑल नो, सो आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट अगेन फॉर जस्ट सम व्यूज बिकॉज वी ऑल नो वॉट हैपन्ड आफ्टर 1857 रेबेलियन। आई विल ओनली मेंशन सम नेम एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू इट। रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ द लीडर ऑफ 1857 रेबेलियन गॉट किल्ड इन 1858 आफ्टर लॉर्ड डलहौजी'स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिस। इन 1875 सर सैयद अहमद खान मेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन 1885 सम प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल्स केम अप विद द आइडिया एंड फाउंडेड INC। द मेन रीजन टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी वाज 1857 रेबेलियन, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि उन्हें कॉमन लोगों से बात करने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें एक डेमोक्रेटिक टाइप की पार्टी बनानी थी। इसलिए A.O. ह्यूम ने 28 से 31 दिसंबर 1885 बॉम्बे में इसका पहला सेशन रखा और इस पार्टी का निर्माण किया। 1905 से 1911 में बंगाल का पार्टीशन हुआ बेस्ड ऑन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया एंड हिंदू मेजोरिटी एरिया। काफ़ी बड़े लीडर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट के साथ वंदे मातरम का नारा भी लगाया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी जिसने इस पार्टीशन का फेवर किया क्योंकि उन्हें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम मेजोरिटी के रूप में मिल रहा था। इसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इंडियंस का सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स में रोल कम कर दिया गया। सिर्फ कुछ अपर क्लास इंडियन और अमीर लैंड ओनर और बिजनेसमैन को ही फेवर किया गया। 1911 में जब ये पार्टीशन किया गया तब इंडिया के कई लीडर्स ने इसका वायलेंट तरीके से विरोध किया, जैसे कि अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। लेकिन भारत के ही कुछ पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस ने इस वायलेंट रेवोल्यूशन का विरोध किया। लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ और उसके पीछे का कारण। 1914 से 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें 1.5 मिलियन सोल्जर्स भारत से भेजे गए। जैसे कि तुर्की सुल्तान या खलीफा बीच बीच में ये क्लेम करता था कि मक्का मदीना और जेरूसलम उसकी गार्डियनशिप में है और ब्रिटिशर्स और उनके अलायंस तुर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि यहां के जो मुस्लिम है वो उन्हें सपोर्ट करना ना छोड़ दें। इस समस्या को सुलझाने के लिए लखनऊ पैक्ट का सहारा लिया गया, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस फैसले से यंग लॉयर बॉम्बे के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे खुश हुए थे, जो बाद में इस लीग के लीडर भी बने। एंड देन आवर बिलवर्ड गांधी जी एंड वी ऑल नो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्री आवर नेशन। देन रोलेक्ट एक्ट। वर्ल्ड वॉर वन में भारत की तरफ से 1.5 सोल्जर्स भेजे गए थे और 146 मिलियन पाउंड रेवेन्यू भी वार के लिए भेजा गया था, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति के ऊपर दबाव बना और पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। साथ ही में बॉम्बे मद्रास और बंगाल में फूड राइट्स होना शुरू हो गए थे। इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए रोलेक्ट एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी थी। एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट हैपेंड इन जलियांवाला बाग, जिसमें रेजिनल्ड एच ई डायर ने पब्लिक मीटिंग्स बंद कर दी थी और 13 अप्रैल 1919 को 50 सोल्जर्स के साथ नॉर्मल और निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाई। उसके बाद गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, लेकिन 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद इन्होंने ये बंद कर दिया। नाउ INA लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर में अपना पार्ट निभाया और ब्रिटिशर्स को घुटने पर ला दिया। कर्जन ने कहा था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंग्लैंड, जो आज फर्स्ट रेट पावर और वर्ल्ड पावर है, वो भारत के अलग होने के बाद एक थर्ड रेट पावर बनकर रह जाएगा। इंडिया वॉज दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड। सो इसी के साथ यहाँ पर कॉलोनियल एरा का अंत होता है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत के द्वारा लड़ी मेजर वॉर्स। सो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।